पेशेंट के कंप्लीट स्कैल्प एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो कि एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस है। इसमें पेशेंट की हेयरलाइन रिसीड होते होते पूरी तरह से वैनिश हो गई है। फ्रंटल एरिया में बॉल्डनेस विजिबल है, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन थिन कंडीशन में है। पेशेंट का डोनर एरिया बिलो एवरेज कंडीशन में है, इसलिए सर्जरी को 2 सेशंस में प्लान किया गया है, जिससे डोनर एरिया की इंटेग्रिटी मेंटेन रहे और एक्सट्रैक्शन के बाद स्कारिंग का कोई साइन विजिबल ना हो। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर और एज के अकॉर्डिंग हेयरलाइन डिजाइन की है। हेयरलाइन को मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। न्यूली डिजाइंड हेयरलाइन पेशेंट के फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम करेगी और पेशेंट को एक एज अप्रोप्रिएट लुक मिलेगा। इसके अलावा जितने एरिया में फर्स्ट सेशन में ट्रांसप्लांट होगा उसे भी मार्क किया गया है। फर्स्ट सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की हेयरलाइन रिस्टोर की है और फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी गेन की है, जिसके लिए हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी गेन करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे पेशेंट को वॉल्यूमिनस और फुलर लुक मिलेगा। फर्स्ट ट्रांसप्लांट सेशन में टोटल 3,500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया तो ट्रांसप्लांटेड रीजन में 70% शेडिंग विजिबल थी और क्राउन रीजन में पूरी बॉल्डनेस नहीं थी, इसलिए वहां पर नेटिव फॉलिकल्स नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। अभी कंप्लीट डेंसिटी गेन होना बाकी है, जो अपकमिंग मंथ्स में विजिबल होगी। ट्रांसप्लांट के 2 मंथ्स बाद ट्रांसप्लांटेड रीजन में शेडिंग फेज कंटिन्यू था और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग फेज एटलीस्ट 3 to 4 months तक रहता है। 2 months में पेशेंट के 90% हेयर्स शेड हो चुके हैं। शेडिंग फेज ओवर होने के बाद ही फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में एंटर होना स्टार्ट होते हैं। ट्रांसप्लांट के 9 months बाद रिजल्ट्स विजिबल हैं। हेयरलाइन पेशेंट के फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल है। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स सीमलेसली मर्ज हो गए हैं। पेशेंट के फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प दोनों में डेंस ग्रोथ विजिबल है, लेकिन अभी पेशेंट के सिर्फ हाफ रेसिपिएंट एरिया में ही ग्रोथ विजिबल है, बिकॉज क्राउन रीजन को हमने सेकंड सेशन के लिए छोड़ दिया है। सेकंड सेशन में क्राउन रीजन में डेंसिटी गेन करने के लिए और स्वर्ल पैटर्न रिप्लिकेट करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल में इम्प्लांट किया गया है। इस सेशन में टोटल 2000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिससे डोनर एरिया की इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी। सेकेंड ट्रांसप्लांट सेशन के 4 months बाद फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में हेयर्स नेचुरली ग्रो हो रहे हैं और क्राउन रीजन में भी शेडिंग फेज ओवर हो चुका है और फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में एंटर कर रहे हैं, लेकिन क्राउन रीजन में अभी कंप्लीट डेंसिटी विजिबल नहीं है, बिकॉज दीज आर जस्ट 4 months रिजल्ट। हेयर ट्रांसप्लांट के फर्स्ट सेशन के 20 मंथ्स के बाद
और सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट सेशन के 7 मंथ्स बाद रिजल्ट्स नोटवर्दी हैं। पेशेंट की हेयरलाइन कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है, फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में भी ग्रोथ विजिबल है, क्राउन रीजन में भी फॉलिकल्स मच्योरली ग्रो हो गए हैं और परफेक्ट स्वर्ल पैटर्न रेप्लिकेट कर रहे हैं। पेशेंट के स्कैल्प पर स्ट्रैंड्स सीमलेसली मर्ज हो गए हैं और अपकमिंग मंथ्स में पेशेंट के क्राउन रीजन में और भी वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल होगी, बिकॉज सेकेंड ट्रांसप्लांट सेशन को अभी सिर्फ 7 मंथ्स ही कंप्लीट हुए हैं। अब पेशेंट अपने लिए हेयर स्टाइल ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज अटेंड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अपडेट ऑन एवरी वीडियो।